कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच सरकार ने देश के 80 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है, जहां इसका खतरा महसूस हो रहा है। जब भी कभी लॉकडाउन लगाया जाता है तो आम लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई दी जाती हैं, घर से बाहर निकलने पर भी रोक लग जाती है। ऐसे में ये जरूरी है कि इस दौरान आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपको बता दें कि लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो सामान्य तौर पर लोगों को एक निश्चित इलाके में रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी घोषणा सामान्य तौर पर लोगों को बड़ी आपदाओं से बचाने के लिए की जाती है। दुनिया भर के कई देशों में ऐसा हो रहा है। फुल लॉकडाउन का मतलब होता है कि लोग अपने घरों से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि कोई बेहद वाजिब वजह ना हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी ना हो। इसके अलावा लॉकडाउन में सरकार ये चाहती है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही ना करें, सरकार की व्यवस्था पर अमल करें। चूंकि ये लॉकडाउन कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए घोषित किया गया है, लिहाजा सरकार कतई नहीं चाहती कि कहीं भी लोगों का जमावड़ा हो और बाहर निकलने पर आप संक्रमण के शिकार हो जाएं। बल्कि सरकार इसके जरिए आपको महफूज रखने का काम करती है। इस पर अमल करना जरूरी है। अलबत्ता किसी गंभीर मरीज या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो जरूर घर से बाहर आप निकल सकते हैं। वहीं दूध, सब्जी, किराना और दवाओं की दुकानें लॉकडाउन के दायरे से बाहर होती हैं, लेकिन इन दुकानों पर बेवजह भीड़ लगाने से बचना बहुत ज़रूरी होता है। राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप और एटीएम को आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में रखा है। सरकार जरूरत के हिसाब से पेट्रोल पंप और एटीएम खुलवा सकती है। ये जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन पर ज़्यादा निर्भर करती है। अगर स्थानीय प्रशासन चाहे तो पेट्रोल पंप चला सकती है अथवा बंद भी कर सकती है। वहीं किसी भी जिले को लॉकडाउन के बाद निजी गाड़ियों का इस्तेमाल हो सकता है, बशर्ते इससे लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने लॉकडाउन में निजी वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। इसके बदले सार्वजनिक वाहनों या टैक्सियों के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाती है। लॉकडाउन का निर्णय ही इसलिए लिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जा सके। दिल्ली NCR की ज़्यादातर सोसाइटी में अगले 31 मार्च तक मेड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आप किसी सोसाइटी में नहीं रहते हैं और आपके घर मेड़ आती है तो बेहतर होगा कि आप उसे मना कर दें। हाँ, इन दिनों की छुट्टी के लिए उसकी सैलरी ना काटें, याद करें PM मोदी की अपील क्या थी। इसके अलावा आप अपने ड्राइवर को बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते हैं, ये भी लॉकडाउन के दायरे में आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेड़ वाला नियम आपके पर्सनल ड्राइवर पर भी लागू होगा। वैसे तो लॉकडाउन के दौरान कहीं भी बाहर निकलने की मनाही होती है, लेकिन अगर किसी इमरजेंसी में आपको बाहर निकलना पड़े तो गाड़ी खुद ड्राइव करें। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, क्या आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट तो खुले रहेंगे, लेकिन आप वहां जाकर खाना नहीं खा सकते। हाँ, आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन पोर्टल से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि ये भी प्रशासन तय करेगा कि कौन से रेस्टोरेंट खुलेंगे और कौन से नहीं। इसके अलावा अखबारों की बातें होती है, अखबार और दूध की डिलीवरी होती रहेगी या फिर नहीं होगी। अखबार और दूध की डिलीवरी होती रहेगी। हो सकता है कि अगर आपकी सोसाइटी के भीतर दूध और अखबार डिलीवरी वाले को अंदर ना आने दिया जाए तो आपको गेट पर कलेक्ट करने जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें लॉकडाउन के दायरे में आती है, इसलिए आप इन चीज़ों को फॉलो करें और इसी को कहते हैं कि लॉकडाउन क्या होता है।